कितना बॉडी गया था मर गया था पता नहीं। हमारा उधर का बहुत आदमी मर गया। तो मेरा रूम से तकरीबन 30 मीटर दूर पूरा गिर गया, पहाड़ तूर के वो पूरा गिर गया। केरल के वायनाड में ऊंचाई पर बसे गांवों में तबाही आ गई। चंद पलों में कुछ घरों में पानी भर गया, पहाड़ के हिस्से ढहने लगे। दूर से ये किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं लग रहा था। जब तक ये तबाही और नुकसान पहुंचाती, कुछ लोग दूसरे इलाकों की तरफ भाग निकले, तो न जाने कितने फंस कर रह गए। स्थानीय प्रशासन समेत एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। कुछ लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है, जबकि हालिया आंकड़ों के मुताबिक भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 143 पहुंच गई है। मंगलवार को बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन के बाद तबाह हुए मकान, उफनती नदियां और उखड़े हुए पेड़ों के डरा देने वाले दृश्य दिखाई दे रहे हैं। दूर दूर तक केवल पानी ही पानी है, आबादी का नामो निशान तक नहीं दिख रहा। एनडीआरएफ कमांडर ने बचाव कार्यों को लेकर जानकारी दी है, सुनिए। अभी हम लोग रेस्क्यू 10 मिनट के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक चौरमाला रिवर है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके उसके इस साइड में जो है मुंडा कई विलेज है, वहाँ पे हमारी टीम अभी जा रही है। कल जो वहाँ से विक्टिम्स जो इंजर्ड विक्टिम्स है उसको निकाला गया है। अब जो भी कॉलेप्स बिल्डिंग घर होगा उसमें कुछ विक्टिम्स ट्रैप्ड हो सकते हैं, उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। पहला हम लोग का काम है कि रिवर क्रॉस करके उस साइड मुंडकई विलेज में हम अभी अपनी टीम को भेज रहे हैं। कल रात में जो है हमारी टीम जो है 70 लोगों को रेस्क्यू किया है रोप से। रात के 10 बजे तक हमारी ऑपरेशन चली है, उसके बाद वेदर और रेनफॉल के कारण हम लोगों ने रोका है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, अभी हम लोग रिज्यूम कर रहे हैं। डेथ का जो हमने जो डेड बॉडीज निकाला है वो हमारा फिगर 21 का है, और भी टीम काम कर रही है, उससे जो मिला होगा वो हम नहीं बता सकते। हमारे तरफ से जो कैजुअलिटीज है जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से 21। सर लोगों को उधर से इधर शिफ्ट करने में बहुत सारी कोशिश हो रही है, कठिनाई हो रही है उसके बारे में? उस साइड में अप्रोचिंग अच्छा है, बस क्रॉस करने का दिक्कत है। कल शाम में उधर फूड वगैरह चला गया, उस साइड में एक रिसोर्ट है और एक मस्जिद है जिसमें कुछ लोगों को शेल्टर किया गया। सर अभी भी कहा जा रहा है कि ये डेंजर जोन में है एरिया, कभी भी कुछ भी हो सकता है? ऑफकोर्स, चूंकि रेनफॉल अलर्ट्स है तो बारिश अभी चल हो रही है, बारिश का इंटेंसिटी हाई होगा तो डेंजर हो सकता है, वाटर करंट बढ़ जाएगा, वाटर का कैपेसिटी बढ़ेगा तो चांसेस आ जाते हैं, बिकॉज स्टिल इट इज इन रेड अलर्ट। अभी कितने दिन तक चल सकता है सर रेस्क्यू? ये नहीं कह सकते हैं, बट 2-3 दिन तो चलेगा। वही स्थानीय निवासियों की बातें सुनकर आप समझ पाएंगे कि केरल का वायनाड और वहाँ के लोग अभी किस स्थिति में हैं। 300-400 घर था इसका, ऊपर स्कूल था इधर थोड़ा आगे, और स्कूल का आगे 300 का ज्यादा घर था ये जगह पे, दूसरा जगह पे 300 घर था। अभी रेस्क्यू कर रहा है उन लोगों का, कितना बॉडी गया तो मर गया तो पता नहीं, हाथ नहीं है, थोड़ा आदमी को रास मिलता है, हाथ मिलता है, पैर मिलता है, ऐसा ही है, पूरा बॉडी नहीं, बॉडी नहीं मिल रहा है, लेकिन ज्यादा बॉडी भी मिल रहा है, बहुत बॉडी, एक एक पार्ट्स ऐसा मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है। मेन चलते चूरलमला, चूरलमला हम लोग 8:30 बजे सुबह से हम लोग सुबह नमस्कार लिए का उठाया, उसी वक्त में ये वार्ता सुना जब सीधा इधर आया। घर में बैठे थे ना, कब आया वो लैंडस्लाइड, कब आया, कैसा हुआ थोड़ा वो बोलिए हमको। 1 बजे आया, सो रहे थे आप, बहुत से बारिश हो रहा है। 1 बजे ऐसा खड़ा है बारिश के, और ज्यादा बारिश था तो हम लोग बैठ रहे था घर में थे। हाँ तो नहीं, बाहर है, बाहर है। जब छाउन कर रहा था तो हम लोग घर से निकल कर जल्दी बाहर आ गया, और हमारा उधर का बहुत आदमी मर गया। आपके
फ्रेंड्स फंस गया लगभग एक बजकर 40 मिनट में पूरा आवाज आया। बाद में हम लोग रूम में था, उतर गया तो मेरा रूम से तकरीबन 30 मीटर दूर पूरा गिर गया, पहाड़ तूर के वो पूरा गिर गया। घर में पानी आया था क्या? हमारा रूम में नहीं आया, हम बाहर गए जल्दी, सोया नहीं था ऐसे बैठ के आया। हमारा रूम दूसरा था, बाद में इधर आया तो नहीं सोया था, ऐसे उठ के चला गया। बहुत सारे पूरा एक गांव है, पूरा गांव का आदमी पूरा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।